फोर्थ है किंगडम प्लांटी और फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। तो आरएच बाइटेकर ने जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें पहला किंगडम उसने रखा, किंगडम का नाम दिया था किंगडम मोनीरा। अब इसने किंगडम मोनीरा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो इन पांच किंगडम में आने थे। ठीक है, तो किंगडम मोनीरा में उसने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम किस कौन से किंगडम में रखा, किंगडम मोनीरा में। प्रोकैरियोट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड इन किंगडम मोनीरा। अब हमें पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट्स मींस दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, फुली फॉर्म्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, सेलुलर ऑर्गेनिलीज एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनिलीज है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स एनिमल है, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स एनिमल है वो सब किस में रखा था, किंगडम मोनीरा में रखा था। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड सेलुलर ऑर्गेनेलिस। ये ऑटोट्रॉप्स भी होते थे और मतलब प्रोकैरियोट्स तो है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉप्स और हिटरोट्रॉप्स दोनों होता है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे मेक देयर ओन फूड, हिटरोट्रॉप्स मीन्स मतलब जो कि अपना फूड नहीं बना सकते। तो प्रोक्यूरियोट्स वो प्रोक्यूरियोट जो कि अपना फूड बना सकते और नहीं, वो प्रोक्यूरियोट जो नहीं बना सकते, वो दोनों किस में रखा था, किंगडम मोनीरा में। ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते थे और होते हैं और एंड हिटरोट्रॉप्स प्रोक्यूरियोट्स है। ठीक है, हिटरोट्रॉप्स ये किस में रखा, किंगडम मोनीरा में। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे प्रोकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्म होता है, ये सारे किंगडम मोनीरा में होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारे किंगडम मोनीरा में ये सारे रखे थे। अब सेकंड जो किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आरएच वाइटेकर ने क्या रखा था, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे थे, कौन से लिविंग थिंग्स रखे थे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में किंगडम मोनीरा में प्रोकैरियोट्स रखा था, किंगडम प्रोटिस्टा में इसने क्या रखा, यूकैरियोट्स रखा था, यूकैरियोट्स। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स, बट क्या होते थे वो यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, बट यूनिसेलुलर। यूकैरियोट्स हमें पता है मल्टीसेलुलर भी होता है, मींस बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है क्योंकि हमारे सेल के अंदर यूकैरियोट्स मींस हमारे सेल के अंदर फुली फॉर्म न्यूक्लियस होता है और जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो तो है प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स तो है, लेकिन वो यूकैरियोट जो कि यूनिसेलुलर, उनके पूरे बॉडी में एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर, वो किस में रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था यूकैरियोट्स, बट यूनिसेलुलर। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, एग्जांपल हमारा प्रोटोजुआ आता है, अल्गे आता है, डायटम्स आता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, प्रोटोजुआ, अल्गे, डायटम्स, एक्स्ट्रा, डायटम्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब किस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में। ये यूकैरियोट्स है बल्कि यूनिसेलुलर। और थर्ड आता है हमारे किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई में भी यूकैरियोट्स है जिनमें सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट यूनिसेलुलर नहीं, इनके बॉडी में मल्टी सेलुलर, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को रखा। अब ठीक है, किंगडम फंजाई में, अब किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये सब, ये तीनों किंगडम में यूकैरियोट्स रखा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा। ठीक है, इसमें भी क्या रखा, यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर, इसमें भी क्या रखा, यूकैरियोट्स एनिमेलिया में, यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर।
अब इनमें डिफरेंट, फिर इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स में क्यों रखा है, सारे एक ही ग्रुप में रखते हैं, तो एक्चुअली उनमें डिफरेंसेस क्या है? देखो किंगडम फंजाई में यूकेरियोट्स तो है और मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इनका जो सेल वॉल होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांटी में भी सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल होता है, बल्कि इनका सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्युलोज से बना होता है। ये डिफरेंस है, एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इनमें तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट इज एब्सेंट, ठीक है। तो किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी का जो, दोनों में सेल वॉल होता है, लेकिन किंगडम फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है और किंगडम प्लांटी का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोस से बना होता है। और किंगडम फंजाई हिट्रोट्रॉप्स होता है और प्लांटी ऑटोट्रॉप्स होता है, मीन्स हिट्रोट्रॉप्स होता है, हिट्रोट्रॉप्स। किंगडम फंजाई क्या होता है? हिट्रोट्रॉप्स होता है। हिट्रोट्रॉप्स मीन्स दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इसमें एग्जाम्पल हमारे क्या आएंगे? किंगडम फंजाई में एग्जाम्पल क्या आएंगे? हमारा मशरूम आता है, मशरूम, यीस्ट, ये सब किस में आता है? किंगडम फंजाई में। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन से बना होता है, और हिटरोट्रॉप्स दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। अब किंगडम प्लांटी में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, और दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस ये दिखाता है, ठीक है। ये अपना फूड खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट। अब इनमें तो यूकेरियोट्स है, किंगडम एनिमेलिया यूकेरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सेल वॉल लेकिन एब्सेंट होता है, और ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? हिटरोट्रॉप्स होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दे डिपेंड ऑन देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे डिपेंड देयर फूड, दे मतलब टेक देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट से अपना फूड लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? हिटरोट्रॉप्स होता है। तो आर एच वाइटेकर ने जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो उसने मतलब इसके इस बेसिस पे सेल स्ट्रक्चर को देख के, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख के, हैबिट एंड हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बाकी जितने भी बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच किंगडम में क्लासिफाई किया था, पांच ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जो कि टिल डेट मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब अगर हम इसको मतलब क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, अगर हम क्लासिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एक तो प्रोकैरियोट्स होता है, एक यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, प्रोकैरियोट्स होता है, हो सकता है या यूकैरियोट्स हो सकता है। प्रोकैरियोट्स मींस जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, फुली फॉर्म न्यूक्लियस और सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में हमारे किंगडम क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखेंगे तो किंगडम मोनेरा किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में। अब यूकेरियोट्स में जिनमें न्यूक्लियस होता है और सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, इसको दो फर्दर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं हम। यूकेरियोट्स यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, ठीक है, जिनके बॉडी में सिंगल सेल हो सकता है। यूनिसेल्युलर मींस वो यूकेरियोट्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है लेकिन पूरे बॉडी में एक ही सेल होता है, उनको क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर मीन्स यूनिसेल्युलर हमने कौन से किंगडम में पढ़ा? किंगडम प्रोटिस्टा। यूकेरियोट्स है बट यूनिसेल्युलर, तो इसमें हमारा एग्जांपल क्या आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्ट आते हैं। अब मल्टी सेलुलर विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल हो सकता है, ठीक है, विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। अब विद सेल वॉल, ठीक है, जिनमें मल्टी सेलुलर तो है, ठीक है, जैसे कि ये फंजाई है, मल्टी सेलुलर है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है उसके बेसिस पे, ठीक है, विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है उसके बेसिस पे। विद सेल वॉल वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मीन जिनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर बहुत सेल्स प्रेजेंट होता है उनके जो सेल्स के ऊपर जो कवरिंग होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल कवरिंग होता है, वो कौन कौन से किंगडम में प्रेजेंट है, कौन कौन से किंगडम में एब्सेंट है, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल विद सेल वॉल, विद सेल वॉल में हमें पता है मल्टी सेलुलर भी होता है, विद सेल वॉल भी होता है, तो हमें इसमें कौन से किंगडम आएंगे, किंगडम हमने ऊपर ही पढ़ा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी दोनों आता है। विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया। अब किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी आता है। अब इसमें भी देखो विद सेल वॉल, विद सेल वॉल में भी दो ग्रुप्स है, ठीक है। अब सेल वॉल तो है, दोनों में प्रेजेंट है, फंजाई और प्लांटी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल है, लेकिन कौन सा मतलब किंगडम फोटोसिंथेसिस दिखाता है, कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता है, मींस विद फोटोसिंथेसिस और विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो सेल वॉल तो दोनों में है, फंजाई और प्लांटी दोनों में है। अब फोटोसिंथेसिस इन दोनों में कौन दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है, फोटोसिंथेसिस विद फोटोसिंथेसिस मींस हमने किंगडम प्लांटी में पढ़ा कि किंगडम प्लांटी में फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट, मींस विद फोटोसिंथेसिस मींस इसमें आएगा किंगडम हमारा प्लांटी, और विदाउट फोटोसिंथेसिस में किंगडम फंजाई, ठीक है। तो ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा मतलब क्लासिफिकेशन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जो लिविंग थिंग्स है हमने उनको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है, ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब हमें यहाँ पे, ठीक है, किंगडम जो प्रोटिस्टा में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिसेलुलर है, मैंने बताया कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकेरियोट्स होता है और यूनिसेलुलर होता है, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, आर्किएटम्स, ठीक है। हम इसमें पढ़ता है एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा प्रोटोजोआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें हमारे सिलेबस में है फाइलम प्रोटोजोआ, ये एक्चुअली एक फाइलम है, ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ मीन किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है हमें, और हमें ये किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई ये सब तो हम नहीं पढ़ते जूलॉजी में, ये प्लांट्स में, बॉटनी में पढ़ते, तो हमें पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया, जितने भी मतलब इसके अंदर फाइलम, सब फाइलम, क्लास डिवीजन आता है, ये सब सारे पढ़ना है, ठीक है, और फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके पूरा हमें पढ़ना है क्लास मेमेलिया तक पूरा, इसमें आता है हमारे, मैंने बताया जैसे कि फाइलम आता है, सब फाइलम आता है, डिवीजन आता है, क्लासेस आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेजर फाइलम, माइनर फाइला ये सब आते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमें, हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो सारे किंगडम एनिमेलिया के बारे में है, ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया को भी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम, सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, क्लासेस, डिवीजन, इन सब में डिवाइड किया हुआ है। तो किंगडम एनिमेलिया को पढ़ने से पहले, ठीक है, हमें कुछ मतलब वर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि नॉन कोडेट्स क्या होता है, कोडेट्स क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।